हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अनिका सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना सीरत अनिका की काफ़ी तारीफ करती है और उसे बहुत ही बखूबी निहारती है, जितना वो निहार सकती है। बहुत प्यार से उसे देखती है, उसकी आंखों में खोना चाहती है, उसकी होना चाहती है और उसे बहुत देर तक वो ऐसे ही देखती रहती है। उसके लबों पे आके उसकी निगाहें जब थमती हैं तो अपने होठों से उसके होठों को दूर से एक प्यारा सा किस करती है और उस एहसास को अनिका बखूबी फील करती है, जितना वो फील कर सकती है। ये भी एक अलग ही बात है, अलग ही एहसास है जो हर कोई फील नहीं कर सकता। इस तरह की मोहब्बत गजब ही होती है। इस तरह का एहसास, इस तरह का प्यार, इस तरह का इश्क के कुछ अलग ही कहने। उसके होठों को झूमते हुए वो धीरे धीरे नीचे की तरफ, उसके नेक की तरफ बढ़ती है। उसकी निगाहें उसके गर्दन पे जाके ठहर जाती हैं। उसको वो अपने अंदर जज्ब करने लगती है, उसके हर एहसास को अपने अंदर समेटने लगती है। जिससे अनिका और ज्यादा बेचैन हो रही होती है, सीरत हल्का सा आगे बढ़ती है और अपनी गर्म सांसों को अनिका के जश्न पे उसे एहसास दिलाते हैं, अपने गर्म सांसों का, अपनी मोहब्बत का, अपनी तड़प का, जिससे अनिका की बेचैनी बढ़ने लगती है। जैसे एक पंछी बंद पिंजड़े में फड़फड़ाता है, कुछ इसी तरह का एहसास इस समय अनिका को हो रहा होता है। हालांकि वो उसको बहुत अच्छे से महसूस करती है, लेकिन आपका महबूब सामने हो और आपकी बाहों में ना हो तो ये तो जुल्म है ना, इससे तो कोई नहीं। और सीरत जिस से प्यार ना करके रूह तक पहुंचने की बात आंखों के द्वारा, ये तो तड़पाने वाली बात है। और जहां तक मुझे लगता है सीरत ने बहुत अच्छा गेम खेला है अनिका को तड़पाने का। ये एहसास, ये तड़प अनिका को बहुत ज़्यादा परेशान कर, इतना ज़्यादा परेशान कि जब सीरत की निगाहें उसके जिस्म को तराशते हुए उसके कमर पे जाती है तो अनिका अपने आप को रोक नहीं पाती और वो सीरत को अपनी तरफ खींच लेती है। सीरत कहती है, अरे ये क्या हद हो गई यार। अनिका कहती है, ऐसा है, अपने ये मोहब्बत का पाठ ना तुम कभी और पढ़ाना दुनिया को, ठीक। अभी मुझे जो पाठ पढ़ना है मुझे वो पढ़ाओ, ठीक है।
और ये सारे मुझे तड़पाने का जो ये खेल खेल रही हो इन्हें दूर फेंको, महबूब सामने हो और बाहों में ना हो। तो ये तो अत्याचार है ना, और इस अत्याचार से तो मुझे दूर रहना है। बिल्कुल नहीं, वैसे ही हमारे बीच में इतने दिनों से इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आज तो बिल्कुल नहीं। सिरत कहती है, हे हे, ये मेरी पार्टनर, ये मेरी फियांसे, ये मेरी वुड बी वाइफ, यार थोड़ा तो कंट्रोल करो। तो निका ऐसे अंगड़ाई लेती है और सिरत की गोद में लेट जाती है और कहती है, पक्का ना, कुछ नहीं करना ना, पक्का ना। सिरत कहती है कि नहीं, मेरा मूड नहीं है एक्चुअली। तो निका ऐसे उठ के फिर से बैठती, कहती क्या बोला तुमने? कहती हाँ, मेरा मूड नहीं है बिल्कुल भी, मेरा ना सर दर्द कर रहा है, सो जाते हैं। तो निका कहती है, आर यू श्योर? तो कहती है कि हाँ, आई एम डेफिनेटली श्योर। अनिका कहती है, ओके फाइन, ठीक है, काम करते हैं, सो ही जाते हैं। तो सीरत जाके लेट जाती है, कहती है हाँ यार, सो ही जाते हैं, फिर कल देखते हैं ना, रोमांस कल कंटिन्यू करते हैं। तो अनिका बोलती है कि ठीक है, और सीरत जाके लेट जाती है। अनिका बेड पर से उठती है, रूम की डिम लाइट ऑन करती है। तो सिरत कहती है, क्या हो गया, तुम सो नहीं रही? तो अनिका कहती है, एक्चुअली ना वो मैं सोच रही हूँ साड़ी चेंज कर लूँ फिर सोती हूँ। तो सिरत कहती है, ओके ठीक है, जैसा तुम कहो, जैसा तुम चाहो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनिका वही रूम में धीरे से अपनी साड़ी का पल्लू जो है अपनी कमर से सरकाती है, उस प्लेट को और पतला करती है। तो सीरत की निगाहें उसकी हरकतों पे टिक जाती हैं। सीरत उसे बहुत ध्यान से देख रही होती है। अनिका कहती है, सो, तुम्हें तो नींद आ रही थी ना, सो जाओ। तो सिरत कहती है, हाँ सो रही हूँ। तो अनिका कहती है, हाँ सो। फिर अनिका वहाँ पास में पड़ा हुआ जग उठाती है पानी का और ग्लास में पानी करती है, उसे पीने लगती है। तो पानी पीते हुए जानबूझ के वो सारा पानी गिराती है। तो उसके होठों से वो पानी गिरते हुए उसकी गर्दन से होते हुए उसके जिस्म के गहराइयों में जाते हुए उसको भिगो रहा होता है। सिरत जब ये देखती है तो बस देखती रह जाती है, उसकी आंखें निगाहें अनिका के ऊपर से हट ही नहीं रही होती। अनिका कहती, ओफो, ये पानी गिर गया यार, कितना ठंडा लग रहा है, कैसे साफ करूं? तो ऐसे इधर उधर देखने लगती है तो उसे कोई कपड़ा नहीं मिल रहा होता। अनिका धीरे से सीरत के पास जाती है और उसके हाथों को पकड़ती है और कहती है, पूछ तो ना जरा, कपड़ा नहीं मिल रहा कोई? सीरत कहती है, हाँ क्या क्या कह रही हो? तो अनिका कहती है, क्या हो गया, सुनाई नहीं दे रहा? तो सिरत बोलती, नहीं, वो क्या कहा था तुमने, हाँ बोलो। तो कहती है कि हाँ, मैं ये कह रही थी कि पानी गिर गया ना, ऐसे साफ कर दो।
उठाओ, सिर्फ मैं नहीं कर रही, मुझे नींद आ रही है। तो अनिका कहती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं खुद ही हूँ। तो सिरत कहती है कैसे, कपड़ा तो है नहीं यहाँ कोई। तो कहती है रुको ना मैं करती हूँ, होल्ड करो। तो सिरत कहती है हाँ तो मैं कहाँ भागे जा रही हूँ, होल्ड पे हूँ मैं। तो अनिका सिरत से कहती है थोड़ा सही से उठ के बैठना। तो सिरत ऐसे कहती है क्यों, कहती है अरे मैं कह रही हूँ ना सही से उठ के बैठो। तो सिरत ऐसे सही से उठ के बैठती है। तो अनिका कहती है हाँ गुड। अनिका उसके और करीब होती है, और ज्यादा करीब होती है। तो सिरत की धड़कने तेज होने लगती है। सिरत कहती है क्या क्या मतलब, क्या कर रही हो। अनिका कहती कुछ नहीं, पानी साफ कर रही हूँ बस। कहती अच्छा वो कैसे। तो अनिका ऐसे सिरत के और करीब जाती है, उसके शर्ट्स ओपन करती है, उसके शर्ट को पकड़ती है, अपनी तरफ खींचती है और अपने नेक अपने लिप्स से पानी को साफ करने लगती है। सिरत उसकी ये हरकत देख के अपने होश को बैठती है। अनिका उसकी हालत देख के हल्के से स्माइल करती है, मन में कहती है बच्चू देखती हूँ कब तक कंट्रोल करती हो, मैं भी कम नहीं हूँ, तुम शेर हो तो मैं शवा शेर हूँ, देखती हूँ मैं तुम कब तक ऐसे रहोगी, कब तक मेरे करीब नहीं आओगी, कब तक मुझे तड़पाओगी। सीरत ऐसे अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब अनिका अपना पानी पूछ लेती है तो वो सीरत को छोड़ देती है। सीरत जाके पीछे होती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। अनिका कहती है क्या हुआ, कुछ हुआ क्या। तो सीरत कहती है नहीं कुछ 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 भी तो नहीं हुआ। तो सीरत कहती है हाँ वही तो, एक्चुअली ना मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो सिरत कहती है अब इस समय मीठा क्या। कहती है कि कुछ तो खाने का मन कर रहा है यार। तो अनिका कहती है कि सिरत कहती है क्या कुछ है क्या। तो सिरत कहती है अनिका कहती है कि हाँ मैं देखती हूँ किचन में कुछ रखा होगा शायद। तो ये कह के अनिका नीचे किचन में जाती है, अपने कमर को ऐसे सीरत को दिखाते हुए बहुत ही सेक्सी चाल में अपने आंचल को लहराते हुए। ये देख के सीरत के मुंह से सिर्फ दो लाइनें निकलती है कि हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। बस इतना कहती है। अनिका जैसे पीछे पलट के देखती है तो सिर्फ चुप हो जाती है। अनिका कहती है कुछ कहा। तो वो सिरत बहुत मतलब धीरे से ही गाती है, ज़्यादा तेज नहीं गाती है। तो सिरत कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, जाओ तुम कुछ खाने के लिए ला रही थी ना, जाओ जाओ। तो अनिका कहती है हाँ ना जा रही हूँ। ये कह के अनिका नीचे जाती है और सोचती है क्या ले जाऊँ, ऐसा क्या ले जाऊँ, समझ नहीं आ रहा क्या ले के जाऊँ। तो वैसे फ्रिज ओपन करती है और फ्रिज में देखती है कि कुछ तो मिल जाए। तो देखती है कि उसमें पेस्ट्री रखी हुई होती है, कहती है बन गया काम। और साइड में चॉकलेट रखी हुई होती है, कहती है आ गया मजा। वो चॉकलेट निकालती है और पेस्ट्री निकालती है, चॉकलेट को सारा तोड़ती है एक बाउल के अंदर
और उसे थोड़ा सा हीट कर दिया, मतलब जिससे चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो जाए। और चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो जाती है और पेस्ट्री लेके वो ऊपर रूम में जाती है। सीरत, क्या होगा तुम्हारा बच्चा? सही जगह पंगा लिया है, सही लड़की से प्यार किया है भाई। देख लो भाई, सब अपने अपने पार्टनर्स, जो जिसका पार्टनर जैसे तड़पा रहा हो ना, वो ये ट्राई कर सकते हैं। हैव फन गाइस। तो वो इस तरह से जाती है रूम में, तो सिर्फ देखती है, कहती है क्या लाई तुम? तो कहती है पेस्ट्री एंड चॉकलेट्स। तो अनिका सीरत कहती है कि चॉकलेट तो दिख रही है, सॉरी पेस्ट्री तो दिख रही है, चॉकलेट कहाँ है? तो कहती है ये क्या है बाउल में? तो कहती है ये चॉकलेट है, ये इतनी मेल्ट कैसे है? कहती है पता नहीं, शायद हीट की वजह से हो गई होगी, गैस के पास रखी थी। सीरत कहती है अच्छा। तो अनिका कहती है खाओगे तुम? तो कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। तुम्हें भूख लग रही थी ना, तुम खाओ। तो अनिका कहती है ठीक है। तो अनिका केक पेस्ट्री को कुछ इस तरीके से खाती है कि वो पेस्ट्री उसके लबों पे लगी हुई होती है और जानबूझ के वो उसे साफ नहीं कर रही होती। सीरत उसको देखती है तो उसकी प्यास बढ़ने लगती है भूख की जगह। उसका मन करता है कि वो अभी जाके अनिका को हक कर ले, लेकिन वो अपने ऊपर फिर भी कंट्रोल करती है। अनिका बड़े तरीके से पेस्ट्री खा रही होती है, जो उसके लबों पे पेस्ट्री लगी हुई होती है। सीरत कहती है तुम्हारे वो होठों पे लगी हुई है पेस्ट्री, साफ कर लो। तो अनिका ऐसे जैसे जब अपने हाथों से साफ कर रही होती है, तो जिस हाथ से वो पेस्ट्री खा रही होती है उसी से साफ करने लगती है। तो साफ करने की जगह वो ऑल लगा लेती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि गलती से हो रहा है, और गलती से ही वो पेस्ट्री अपने नेक के पास लगा लेती है। तो सीरत कहती है मुझे समझ नहीं आता, लोग मुंह से खाते हैं या गले से? तो अनिका कहती है क्या हुआ? तो कहती है तुम्हारे गले पे लगी हुई है। तो कहती है अच्छा, एक मिनट साफ करती हूँ। तो ऐसे साफ करने की जगह और लगाती है, थोड़ा सा और नीचे वहाँ भी लगा लेती है। सीरत कहती है तौबा यार, ये लड़की को आज हो क्या गया है, ये तो इतने तरीके से खाती है। इसकी जिस तरह की हरकतें हैं ना, मुझे नहीं लगता मुझसे ज़्यादा देर कंट्रोल होगा। तो वो अपनी निगाहें ऐसे फेर लेती है। अनिका कहती है बेटा फेरो निगाहें, फेरो, देखती हूँ आपकी निगाहें कब तक मेरे ऊपर से दूर रहती हैं, कब तक मेरे करीब नहीं आती, कब तक मुझे नहीं तरसती, कब तक मुझे नहीं छूते। वो पेस्ट्री को धीरे धीरे ऐसे करके ख़त्म करती है और थोड़ी सी पेस्ट्री उठा के साइड में रख देती है छुपा के। तो सीरत थोड़ी देर में उसे देखती है, कहती है खाली पेस्ट्री? तो कहती है हाँ खाली, बट अभी भूख और लगी है। तो कहती है तो आप क्या खाना? कहती है चॉकलेट है ना, ये खानी है। वो चॉकलेट को भी कुछ इसी तरीके से खा रही होती है, पेस्ट्री और चॉकलेट का मिक्स मिश्रण। हाँ जानी क्या के ऊपर क्या कैर डालने वाला है, सॉरी सीरत के ऊपर। ये तो अनिका ही बता सकती है, कोई और नहीं। बहुत तड़पाया है ना सीरत ने अनिका को, गिन गिन के बदला लिया जाएगा शायद। देखो क्या होता है, कैसे होता है। अनिका बहुत प्यार से चॉकलेट को खा रही होती है,
अपने फिंगर्स को ऐसे लिक कर रही होती है। फिंगर्स को ऐसे लिक कर रही होती है बहुत प्यार से, और सीरत जब ये देखती है तो सीरत कहती है, कर क्या रही हो तुम, मुझे जरा ये बताओ। इनका कहती, क्या कर रही हो? फिंगर्स पे सारा पेस्ट्री और चॉकलेट लग गई थी, बस उसी को खा रही हूँ, और क्या कर रही हूँ, और तो कुछ भी नहीं कर रही मैं। सीरत कहती, अच्छा ठीक है करो। तो ऐसे करती है तो अनिका उसे और परेशान करने के लिए उसी तरह की हरकतें और करने लगती है, उसे और ज़्यादा परेशान करने लगती है। सीरत फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल बना के रखे हुए होती है। तो देखते हैं दोस्तों, सीरत का ये जो व्रत चल रहा है ये कब तक चलेगा, कब तक नहीं टूटता, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और अपने अपने पार्टनर्स को थोड़ा सा परेशान कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।